वक्त कपिल शर्मा के लिए काफी मुश्किल बीत रहा है। उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जो हरकत उन्होंने फ्लाइट में करी अपने टीम मेंबर और खासकर सुनील ग्रोवर के साथ, इस मुश्किल वक्त में ना ही ऑडियंस कपिल शर्मा का साथ दे रही है और ना ही बॉलीवुड से उन्हें कोई सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ तक कि उनके शो में आने से भी कई सेलिब्रिटीज ने मना कर दिया है। जहाँ पर कपिल शर्मा थोड़े से अकेले हो चुके हैं, वहीं पर उनका साथ देने खड़े हो चुके हैं कृष्णा अभिषेक। कृष्णा अभिषेक ने हाल ही में मीडिया में कहा है कि दो दोस्त कभी भी झगड़ा कर सकते हैं, उनको ये हक रहता है कि वो आपस में झगड़ा करें, लेकिन ऐसे मनमुटाव करके बैठ जाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, दारू पी के कोई भी झगड़ा कर सकता है और उसके झगड़े को झगड़ा मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस समय अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। आप उसके बिहेवियर को तब देखिए जब वो आपके साथ नॉर्मली रहता है, और नॉर्मली मैंने खुद देखा है कि कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर काफी अच्छे दोस्त हैं। वो खूब सारा हंसी मजाक करते हैं, यहाँ तक कि वो दूसरे आदमी तक का मजाक उड़ा देते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन उन दोनों में कभी भी एक दूसरे के लिए कोई हार्श फीलिंग नहीं है, लेकिन ये पता नहीं कैसे हो गया। और मैं ये चाहूंगा कि दोनों दोबारा से पैचअप कर लें और इस शो को और आगे तक लेके जाएं। यहाँ पर भारती सिंह ने भी दोनों को पैचअप करने की सलाह दी है। मशहूर कॉमेडियन एहसान कुरैशी ने भी सुनील ग्रोवर को कपिल से पैचअप करने की सलाह ही दी है। और दोस्तों, हम लोग भी यही चाहते हैं कि ये दोनों दोबारा से पैचअप कर लें। गलतियां तो हर इंसान से हो ही जाती हैं और उन गलतियों को माफ करने वाला ही एक महान इंसान बनता है। हम सबके हिसाब से कपिल शर्मा को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा को एक मौका दे और उन्हें माफ कर दे, तो आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर #ForgiveKapilSharma का टैग जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना कर पाओ।